जी आज बेहद खुशी है, सिर्फ पूजा को ही नहीं पूरे परिवार वालों को, उनको एक नई ज़िंदगी मिली है, पूरे परिवार को एक नई ज़िंदगी मिली है। आज फिर से गृह प्रवेश हो रहा है नरेन और पूजा का, और माँ खुश हैं। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि नरेन के पिताजी ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है और सभी खुश हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली माँ को, माँ से परमिशन ली थी फ़ोन पे पूजा ने, चाची जी ने कहा था, सुरभि ने कहा था कि माँ बोल रही है कि बेला जी को घर ले आइए, लेकिन अपेरेंटली शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। माँ ने ऐसा कहा नहीं था और माँ अवेयर नहीं है, और बेला जी घर आ गई हैं सबके साथ रहने के लिए, हम लोगों के साथ रहने के लिए। तो लेकिन उनके आते ही लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और झूमर भी गिर जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली यू नो, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको अपशगुन माना जाता है, और घर पे काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ का बवाल भी मचाने वाले हैं। पूजा पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि वो खुद अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखती है, पूरी कोशिश करेगी कि बेला के साथ कुछ गलत ना हो। ऐसे कीप सेइंग ये झूमर गिरना एंड लाइट ऑफ होना, हो सकता है सब लोग सोच रहे हैं कि मेरी वजह से, हो सकता है पनौती है एंड ऑल दैट, बट हो सकता है ये घर मेरे लिए पनौती हो एंड गॉड इज़ गिविंग मी अ साइन कि यू नो डोंट एंटर दिस हाउस। सो इट बी अमेजिंग टू सी कि क्या हुआ है, कि ये लाइट्स क्यों ऑफ हो गई, ये झूमर क्यों गिर गया, बिकॉज मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ है, और मे बी दैट्स जस्ट अ साइन टू शो मी ऑल्सो फ्यू थिंग्स एंड यस दैट्स अबाउट इट। आगे कुछ प्लानिंग तो सोच कर ही आई होगी कि ब्यास फंक्शन में आ गए, क्या प्लानिंग लेकर आए, क्या सोच रहे? बिल्कुल प्लानिंग तो होगी ही, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे नरेन का दिल चाहिए। नरेन का दिल तो नहीं कहूँगी, प्रवीण का दिल चाहिए, क्योंकि प्रवीण का दिल नरेन में लग गया है और मुझे वो दिल चाहिए। आई डोंट वॉन्ट कि वो दिल धड़कता रहे, सो बेसिकली आई वॉन्ट दिस टू बी आउट ऑफ द वर्ल्ड। दिल चुराना मैंने अब तक सुना है। यस, ओह यस, दैट इज द ट्विस्ट, कि हमेशा हम सोचते हैं दिल चुराने की बात, यहाँ पे दिल निकालने की बात है। तो जहाँ तक दिल चुराने वाली बात है, वो तो आई थिंक नरेन वुड स्टार्ट फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बेला, बिकॉज जो पति का दिल है वो ऑब्वियसली पत्नी के लिए धड़कता है एंड ही लव्स मी, बट देन मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ही वुड हैव दैट पार्ट एंड आई वुड हैव जस्ट टू टेक आउट द हार्ट। आई विल नॉट बी एबल टू से दैट, अभी मैं नहीं चाहती इस बारे में कुछ भी बोलना। ऑब्वियसली मुझे पता सब है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप देखें एंड देन रियलाइज कि हाउ थिंग्स स्टार्ट्स फ्रॉम हेट्रेड एंड हाउ थिंग्स चेंज इनटू एनीथिंग और एवरीथिंग। आई डोंट नो। थैंक यू सो मच।